हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आ गए आपको एंटरटेन करने एक माइंड ब्लोइंग सी मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन लेके। मूवी है खिलाड़ी, और अक्षय कुमार वाली खिलाड़ी नहीं है, ये भोजपुरी के खिलाड़ी प्रदीप पांडे चिंटू की खिलाड़ी है। और अभी नई मूवी आई है तो इसका रिएक्शन करने के लिए हम आ गए हैं। इसमें प्रदीप पांडे चिंटू के साथ हैं सहर अफसा, जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम है सहर। तो ये सहर जहर ये बड़ा खतरनाक होता है ना, नाम खतरनाक रहता नहीं। जहर सहर मेरे को तो बड़ा खतरनाक लगता है। आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे अभी इसके बारे में, मतलब ट्रेलर को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे किस किसने कमेंट किए, सजेस्ट किया है हमें। ये हमें सजेस्ट किया अपना भाई एपीके ऑफिशियल, राजा मंजारी, राजा एएस एज, साहिल, कांति यादव, कीर्ति वर्मा, ओ माय गॉड, सचिन टीआर ऑफिशियल एंड सानविका अरोड़ा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं, दिल चहलने लगे हैं, पंछी उड़ने लगे हैं। तो गाइज, आज हम रिएक्शन लेके आए हैं इस ट्रेलर का, प्यारे से ट्रेलर का, और आप लोगों ने कमेंट करके सजेस्ट किया, तो समझ लो प्यार मतलब दिख रहा है। नए नए बंदे भी आ रहे हैं। हाँ, नए नए बंदे भी आ रहे हैं, बंदी भी आ रही है। नहीं नहीं, वही। हाँ तो चलिए देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भगवान करे ये जो बंदियां है ना, भगवान करे आगे इनके पीछे आदमी छुपे हो। नहीं, ऐसे किसी लड़की के नाम से इनका अकाउंट बनाओ। नहीं 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 नहीं। तो चलिए सानविका जी, आपके लिए हम रिएक्शन ले आए हैं, एंजॉय करते है। हैं। कीर्ति भी है, कीर्ति जी, कांति भी है, कांति जी, सभी जी आपके लिए रिएक्शन ले आए हैं। चलिए एंजॉय करते हैं, इस बारे बारे में बात करेंगे। एक शुरुआत ऑनलाइन भइल रहे। आजा, इट्स अ हनी ट्रैप बेबी। आफताब नाम है मेरा। आया तो था कुछ लेने, लेकिन अब कुछ देखे जाऊंगा। ऐसा दर्द जो किसी भी लड़की को छूने से पहले महसूस होगा। बाहर लोग के बस चले ना, कहीं फेसबुक पे प्यार, व्हाट्सएप पे सगाई, इंस्टाग्राम पे शादी और रील्स पे हनीमून बना ले। वैसे आपका है कोई अपना यहाँ? अब तक तो कोई नहीं था यहाँ, रिश्तेदारी निभाने नहीं आया। जब ले हम पैसा चुकाई ना, तब ले अपन मुंह दिखाई ना। 3,000 pounds। सर इतने में तो इसको भी आपके पास सौंप दूंगा। दुल्हन में ठगा गए नहीं तो फिर बदलाई ना, बाकी इतना पैसा सदैवा का। शेर से यारी और सूर्य से कत्तारी बड़ा महंगा पड़ेगा। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। जैसे भी से खुदाई और अपना बहन के सगाई खातिर इतना बेचैन काहे बड़ा लो। हमका तो हर समस्या दूर कर, हम तो खुदे उलझल बने। पर बाबूजी उराउर दमाद बाड़े। Disturb me, वरना। Don't angry me होना चाहिए था। तो guys, mind blowing trailer था, क्यों नहीं? बिल्कुल। ट्रेलर बहुत अच्छा था, बहुत enjoy किया भाई हमने तो, मैंने तो बहुत enjoy किया, आपने? बहुत अच्छा था, action तो भरपूर था। Action बहुत होते हैं चिंटू पांडे की movies में, और action के साथ साथ dialogue बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। एक last में वो था, don't disturb me की जगह don't angry me होता ना तो और मजा आ जाता, वो अक्षय कुमार वाला dialogue है, और मजा आ जाता। बाकी भैया एक्शन खूब था, डायलॉग डिलीवरी सुपर्ब थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइज, ये लड़की को कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फंसा लेता है, व्हाट्सएप फेसबुक पे, और बाहर बुला लेता है, इंग्लैंड, या इंग्लैंड में रह रही होती है, ये इतना डिस्क्लोज नहीं हुआ इसमें, या मेरे ख्याल से स्पेशली बुलाता है,
और या वहाँ रह भी रही होती है तो उसके चक्कू चंकू में फंस जाती है, शादी कर लेती है। फिर पता चलता है ये तो भैया हनी ट्रैप है, मतलब कुछ और ही सिस्टम चल रहा है, तो शादी कर लेता है वो, और वो बंदा कुछ गलत करने वाला होता है इनके साथ। हाँ। या तो मतलब क्या बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिस्टम होता है ऐसा कुछ, बेचने बुचने का ऐसा कोई गंदा काम होने वाला होता है। तो वहाँ पर चिंटू जी पहुँच जाते हैं और गुंडों की बैंड बजा देते हैं। ये नहीं पता लगता ना वो कैसे पहुंचते हैं, वो पुलिस में या नहीं, वो पुलिस में नहीं, वो वहाँ इंग्लैंड में वो कर रहे होते हैं, वेटर होते हैं। अच्छा अच्छा, कुक होते हैं या वेटर होते हैं। हाँ, कुक। उसके बाद एक नया साइड दिखाते हैं मूवी का कि चिंटू पांडे जी को पैसे देने हैं किसी के। हाँ। बहुत ज्यादा पैसे देने हैं किसी के, तो वो भी दिखाया जाता है कि वो पैसे के लिए बोल रहे हैं कुछ भी कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, ये वो, ये भी सीन दिखाया जाता है। उसके बाद ये वापस इंडिया आते हैं और इंडिया में आते हैं तो लड़की का बाप खुश नहीं होता, वो बोलता है कि इस गुंडे शादी कर ली तूने, ये वो। एक गोविंदा जी की पुरानी मूवी थी उसमें ऐसे ही कुछ था, तो उस मूवी से थोड़ा सा ये लास्ट वाली जो सीन्स चल रहे हैं ना ये उस मूवी से प्रेरित लग रहे हैं मुझे 99%। तो वहाँ पर फिर उनको पटाते हैं क्योंकि उसमें वो भी कुक थे विदेश में और ये भी कुक हैं, उसमें उर्मिला मातोंडकर होती है और आते हैं, लेकिन उसमें उनके साथ शादी नहीं, उनकी बहन के पति बन के आते हैं, कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। लेकिन इसमें जिस लड़की के पति बन के आए हैं लास्ट में शायद उन्हीं के साथ टाका भिड़ जाएगा। हाँ। इनका फुल एंड फाइनल हो जाएगा, लेकिन इस शुरू में हेल्प करने आते हैं फिर हो जाता है इनका सिस्टम। ऐसे कुछ कहानी चल रही है, मतलब आप समझ जाओ, थोड़ा खिचड़ी सी बनी हुई है लेकिन उससे इंस्पायर्ड है लास्ट वाले सीन्स। ओके गाइज, ये होते ही है यार, किसी ना किसी मूवी से इंस्पायर्ड होते ही है, आदमी कितना भी फ्रेश बनाने की कोशिश करे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन उठाई लेते यार, वो तो लेनी पड़ती है। नहीं लेनी नहीं चाहिए, खुद का कुछ नया बनाना चाहिए तो मजा लगाएगा। लेकिन होज को भी अगर कुछ इंस्पिरेशन भी है बिल्कुल सेम ना हो तो भी वो एंजॉयबल होती है। तो गाइज माइंड ब्लोइंग लगा मेरे को ट्रेलर, ट्रेलर के मूवी के गाने भी अच्छे थे, गाने अच्छे थे, एक वो पान वाला गाना कितना अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे, एक्शन चिंटू जी का माइंड ब्लोइंग था, तो मूवी में क्या कमी रहेगी यार। कुछ भी नहीं, प्यार भी था, प्यार भी था, कुछ भी नहीं। ये मूवी 100% मतलब देखने वाला मटेरियल है, फुल ऑन टाइम पास होने वाली है, आपका पैसा वसूल होगा अगर आप मूवी देख रहे हो तो। बाकी मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, नेहा को भी ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बताना क्या अच्छा नहीं लगा। ओके गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।